हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्रिस हेम्सवर्थ से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। क्रिस हेम्सवर्थ काफी स्मार्ट, यंग और कह सकते हो ताकतवर। इन्होंने जो रोल प्ले करा थॉर का, वो सबके दिल में बस गया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको सभी ने पसंद करा, और उसे प्ले करा क्रिस हेम्सवर्थ ने, तो ये और भी ज्यादा सभी लोगों को पसंद आने लग गया। अब क्रिस हेम्सवर्थ इंडिया में पहले भी काफी बार आ चुके हैं, अब वो दोबारा से इंडिया में आ रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो इंडिया क्यों आ रहे हैं, कौन सी मूवी के लिए आ रहे हैं और किस जगह आ रहे हैं, तो ये तो मैं अपडेट आके दूंगा, पर अभी मेन अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो क्रिस हेम्सवर्थ की अपकमिंग मूवी आ रही है धाका, सभी को पता होगी, और इसकी शूटिंग पहले भी इंडिया में हो चुकी है। तो दीपावली के बाद, यानी कि इंडिया में जब दीपावली का त्यौहार होगा, उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ इंडिया में आएंगे और फिर से शूटिंग करेंगे धाका की। अब आप कहोगे धाका की तो शूटिंग हो चुकी है, तो एक्चुअल में जो उसके डायरेक्टर हैं और जो उसके प्रोड्यूसर हैं रूसो ब्रदर, जब वो उसकी एडिटिंग कर रहे थे इस मूवी की, तो एंडिंग का जो क्लाइमेक्स था, तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो फाइनली रूसो ब्रदर और उनके डायरेक्टर ने ये फैसला करा कि इस मूवी के क्लाइमेक्स को शूट करने के लिए वो दोबारा से इंडिया में जाएंगे और शूट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है हम फैंस के लिए। और आपको बता दूं, इसमें पंकज त्रिपाठी को भी लिया गया है इस मूवी में, जो कि एक मोस्ट ऑफ दी कैरेक्टर है इस मूवी में। और साथ ही साथ डेविड हार्बर भी इसमें कंफर्म हो चुकी है, जो कि स्ट्रेंजर थिंग सीजन में हॉपर का रोल प्ले करते थे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इसमें मनोज बाजपेयी भी हैं, जो कि फैमिली मैन की उनकी सीरीज काफी ज्यादा हिट भी गई थी। और साथ ही साथ आप सबको पता ही है कि इसमें क्रिस हेम्सवर्थ तो है ही है। तो ये मूवी दोबारा से शूट होगी इंडिया में दीपावली के बाद। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब मैं आपको ये अपडेट दूं कि कौन सी सिटी में शूटिंग चल रही है, तो आप 100% जरूर जाना। और आपको बता दूं, इसमें जो मेन विलेन रहेगा इंडिया की तरफ से, वो रहेगा रणदीप हुड्डा। तो काफी कमाल के ये भी एक्टर हैं, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ के साथ ये हमारे बॉलीवुड के एक्टर काम करेंगे। तो मेरे को तो काफी ज्यादा गर्व फील हो रहा है। और जब इंडिया में क्रिस हेम्सवर्थ दीपावली के बाद आएंगे, तो मैं आपको वो सारे अपडेट दूंगा कि कौन सी जगह रुक रहे हैं, कहाँ पे शूटिंग हो रही है धाका के रीशूट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थॉर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।